सटे पिंपरीचिंचोर शहर में दोपहर 4 बजे के करीब एक दिल दहला देने वाली घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहां एक तेज रफ्तार कार अचानक ब्रेक लगाने के बाद पलट गई और घसीटते हुए एक फर्नीचर की दुकान में जा घुसी। पुलिस जांच में सामने आया कि कार को एक नाबालिग छात्र चला रहा था और उसके दो दोस्त पीछे और एक दोस्त आगे बैठा हुआ था। ऑटो रिक्शा सामने आने के कारण कार चालक का संतुलन बिगड़ा और कार सीधे दुकान में जा घुसी। इसे ऊपर वाले का चमत्कार ही कहे कि इतने भीषण हादसे के बावजूद तीनों की जान बच गई। हिंजवड़ी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार अनियंत्रित होकर एक फर्नीचर की दुकान में जा घुसी जिससे दुकान को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि दुकान के सभी कर्मचारी अंदर थे इसलिए बड़ा हादसा टल गया। जो वीडियो सामने आया है उसमें कार तेजी से पलट कर दुकान में घुसते हुए नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीएसआरएस न्यूज, पिंपरी चिंचवड़, पुणे।